ब्रो मेकअप मत करियो तू कभी भी, बिना मेकअप के सुंदर लगती है तू। बहुत लोगों को पता रहता है ना, जो ब्लॉग नहीं देखते पहले वाले उनको नहीं पता रहता। तो देखो ये सिलाई करता हूँ मैं खाली, जैसे अपन चप्पल पहनते हैं ना तो ये ऊपर का होता है ऐसे करके ऐसा। हर साल भाई दीपावली आने वाली होती है मेरे को जुकाम होता है। हो गया बेटा मर्डर, हमारी एक के सर पे बैठ हो गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग अपनी कोमल दीदी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोमल दीदी आज थोड़ी सी खुश लग रही है और स्मार्ट भी लग रही है और मेरे व्लॉग में भी आ गई है अच्छे से। वैसे तो वरना ज़्यादातर ये गुस्सा रहती है। और आज का व्लॉग शुरुआत हो रहा है सीधा दिन के 3 बजे से। अभी मैं ना काम पे से आया था लंच करने, तो सो गया था, फिर सो के अब उठाऊँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम, गले में खराश, ये जो मतलब ना सोच रहा था ठीक होगी, मैंने दवाई भी नहीं ली 3-4-5 दिन से और मतलब बढ़ी जा रही है। ऊपर से ना मतलब पूरा उसकी वजह से शरीर ना दर्द सा कर रहा है। और मतलब जब होता है ना तबीयत ख़राब होती है तो मन नहीं करता कुछ भी चीज़ करने का, मन चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है। वैसे ही मेरा भी मन है, मतलब ऐसा चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा मन है, मतलब कोई कुछ भी बोल दे तो गुस्सा भी आने लग जाता है। वैसा वैसा पता नहीं यार कब ठीक होगा। खांसी हो गई है मेरे को बस तगड़ी वाली। आज ना आपको हमारा घर ना एकदम ऐसा लग रहा होगा जैसे हम कपड़े धोने का काम करते हैं, धोबी वाला काम है, क्योंकि आज मम्मी ने ना पूरी दुनिया भर के सारे कपड़े घर के धो दिए, जो काम के थे, जो पहने जाते थे वो सब, नई भी जो पहने जाते थे वो भी। हैं दस दिन के बाद धुले कपड़े। देखो यहाँ भी कपड़े, यहाँ भी कपड़े, वहाँ भी कपड़े, फुल कपड़े कपड़े, ऐसा लग रहा है भाई कपड़े की दुकान है। और ये मेरे भाई ने टेंट लगवा लिया था सोने के लिए, एक ही दिन सोया था उसके बाद सोया ही नहीं। और ये देखो मम्मी के बगान, मम्मी के चुराए हुए पौधे। और मम्मी अब जा रही हैं कोमल का आधार कार्ड बनवाने। कोमल का आधार कार्ड नहीं बन रहा बहुत दिनों से, तो आधार कार्ड बनवाने जा रही हैं। और यहाँ देखो दीदी हमारी घोड़े बेच के सो रही हैं आराम से। और काजल क्यूट लग रही है, बेचारी को ना चिढ़ाता रहता हूँ मैं दाने 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 वाली, अरे प्यार से करता हूँ, मजाक करता हूँ भाई मैं, जो भी है प्यारी बहन है। पर बेल्ट ना दिख रही ना, प्यारी ये भी है पर ये कभी कभार गुस्सा करती है कभी कभार। सुन आज के बाद हम जब भी व्लॉग बनाएंगे तो क्या आप ऐसे ही खुश रहा करोगे? हाँ। हैं हाँ। पक्का हैं हाँ? आज कोमल का मूड अच्छा है पता नहीं क्यों। और अपनी वाइफ से तो मिलाना भूल गया बेचारी, अभी आजकल ना बहुत कष्ट में चल रही है, तो आराम से एकदम मस्त बैठी रहती हैं, अपने लेट ही रहती हैं, क्योंकि वो समय करीब चल रहा है ना, 8वां 8.5वां महीना चल रहा है और खाना बन रहा है मेरे लिए चावल खिचड़ी, तो खिचड़ी बनेगी तो खाएंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगी, कैसा लगता है आपको इन दिनों, कैसा बोल दो, अब बोलने का ही मन नहीं कर रहा भाई। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती होंगी उन्हीं को पता रहता होगा भाई बहुत दर्द होता है। मतलब देखो जब मैं रात को सोता हूँ ना तो कभी दर्द होने लग जाता है, कभी पैर दर्द होने लग जाते हैं, कमर, तो फिर मेरे को उठना भी पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है भाई प्रेगनेंसी में। तो अब हम लड़के तो समझ नहीं सकते पर दर्द तो समझ सकते हैं थोड़ा सा, हाँ होता होगा यार बहुत ज़्यादा, तो क्या करें छोड़ो। और अगले जैसे भी अक्टूबर चल रहा है, 30 अक्टूबर है आज, तो अगले महीने 8-9 तारीख को ये मतलब 8-9 तारीख को हो सकती है डिलीवरी, और 9 तारीख को मेरा बर्थडे भी आता है जन्मदिन, तो देखते हैं क्या होगा। पर ना जब तबीयत ख़राब होती है ना तो एक चीज़ तो सीखने को मिलती है कि मतलब भाई अच्छी हेल्थ का होना क्या होता है। मतलब जब हम ठीक होते हैं ना अपने शरीर की परवाह नहीं करते, कुछ भी खा लेते हैं, उल्टा सीधा ठंडा पी लेते हैं कभी ये, और जब बीमार पड़ते हैं ना जब होती है जुकाम बुखार कुछ भी, तब पता चलता है शरीर की अहमियत और अच्छी सेहत की अहमियत। वही मेरे को पता लग रहा है, मैं ठीक होता ना तो मैं अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब देखो मैं, आपको लग रहा होगा नॉर्मल पर ना गला बैठा पड़ा है पूरा, मज़ा नहीं आ रहा, एकदम ना अजीब सा लगता है। तो ना जब बीमार पड़ते हैं कुछ होता है ना तभी अपने शरीर की अहमियत पता चलती है, और मेरे को भी अभी पता लग रही है। इतनी बुरी खांसी होती है ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरी ऐसी ऐसी खांसी होती है। हाय बाय बल्ला भाई, कोमल का मूड ना एकदम ऐसा है जैसे क्या बताऊँ,
मतलब कभी ठीक रहेगा कभी खराब रहेगा, कभी इतना खराब रहेगा ना इसको मतलब इसके सामने ना कैमरा वैमरा कर दूंगा ना ब्लॉग बनाने लग जाऊंगा इसके साथ में, तो एकदम भाई ऐसे गुस्सा आएगी जैसे मतलब तीखी मिर्च जैसी नहीं होती वैसे गुस्सा आएगी। अभी मूड ठीक था इसका, चलता रहता है ये। और जब तक मैं कोमल से मजाक नहीं करता, कोमल को ब्लॉग में नहीं लेता, काजल से मस्ती नहीं करता, तो मेरे को ब्लॉग बनाने में भी मजा नहीं आता और ब्लॉग भी अधूरा रहता है उनके बिना। मेरी वाइफ बेचारी इतनी खुश रहती थी और अभी इतनी परेशान रहती है, तो मेरे को देख के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि मतलब कमर दबाए थे अपनी काजल दीदी उठ गई है। अरे बाप रे बाप, उससे गुस्से वाला चेहरा कैसे है, सुंदर लग रही है। और काजल के प्यारे प्यारे चूहे भी उठ गए हैं। ना होगा दोनों हमारे ब्लॉग में बोलना हेलो गाइस, बोलिएगा हेलो गाइस। काजल मेरे ब्लॉग में कुछ बोलती नहीं है, ना काजल बोलती है ना कोमल। ओहो भाई मेरे फेवरेट चावल आ गए यार, मजा ही आ जाएगा खाने में। थैंक यू, मैं इनको पीले चावल बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। कहीं कहीं तहेड़ी बोलते हैं, मैं तो पीले चावल बोलता हूँ सीधा। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ काम पे 3:30 बजे भाई, और मेरी वाइफ आज बहुत कष्ट में है। मेरे को देख के ना थोड़ा सा दया सी आ रही है, मतलब देखो यार ऐसी प्रेगनेंसी में ना मतलब कुछ भी मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसा हो रहा है इनके साथ। और देखो नई मैक्सी पैदा रखी मेरी वाइफ ने, ठीक है बाय। ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काजल से बोल दियो, ठीक है बाय बाय बाय। ख्याल रखिए उनको, ठीक है दर्द वर्द हो तुझे, ठीक अब ठीक हो जाऊंगा ना, जैसे मेरी खांसी ठीक हो जाएगी ना, जुकाम खांसी ठीक हो जाएगी, तो भाई अपने सेहत का ना एकदम अच्छे से ख्याल रखा करूंगा, ठंडा पानी कम पिया करूंगा, ओस में कम रहा करूंगा। भाई मेरी मतलब मेरी ना लापरवाही की वजह से मेरे को ना मतलब खांसी हुई है। और एक चीज मैंने ना अपने बारे में बहुत नोटिस करी है, मतलब मैंने वो करी है, तो मैं ना मतलब जब भी दीपावली आने वाली होती है ना, हर साल भाई दीपावली आने वाली होती है मेरे को जुकाम होता है, और जुकाम ही होता है मेरे को, बुखार नहीं होता जुकाम ही होता है, पता नहीं भाई मेरे अंदर क्या पन होती है ऐसी। दीपावली जब भी आने वाली होती है जुकाम बुखार कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तबीयत खराब हो जाती है भाई। और अभी भी देखो दीपावली आने वाली है 10 तारीख को, आज 30 तारीख है, तो मेरे को हो गया खांसी, भगवान ठीक हो जाए यार बस यार, से ख्याल रखा करूँगा, कुछ भी लापरवाही नहीं करूँगा यार। चलो भैया हमने अपना आज का काम फिनिश कर लिया है, और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने कर लिया छुट्टी। देखो फैक्ट्री में खाली मैं अकेला हूँ, कोई बंदा नहीं दिखेगा मेरे अलावा, और ये वाला मैं काम करता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ उसको, बहुत लोगों को पता रहता है ना, जो ब्लॉग नहीं देखते पहले वाले उनको नहीं पता रहता, तो देखो ये सिलाई करता हूँ मैं खाली। और ये देखो टोटल ऐसा होता है कम्प्लीट, मतलब अलग अलग तरीके बनते हैं डिज़ाइन, जैसे अपन चप्पल पहनते हैं ना, तो ये ऊपर का होता है ऐसे करके, ऐसा ऐसा यही मेरा काम है। और ये सारी सिलाई है, सिंगल सिलाई और ये डबल सिलाई। तो भाई चलो जी चलते हैं घर, और मेरी वाइफ ने फ़ोन कर दिया मेरे को, पहले ही बोल दिया कि फिंगर लेके आना, तो जाऊंगा यहाँ से फिंगर लूँगा फिर सीधा घर चल लूँगा। चलो भैया फिंगर लेने चलते हैं, पहले तो फिंगर के बिना क्या पता मेरी वाइफ गुस्सा हो जाएगी। पर से मेरी वाइफ अभी जो भी बोलती है ना मैं लेके आ जाता हूँ भाई चुपचाप से, क्योंकि यार अभी थोड़ी हालत वैसी है ना, और बहुत कुछ खाने का मन करता है अभी, मस्त एकदम करारे करारे फिंगर पैक करवाते हैं, सीधा चलते हैं घर। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ बदली बदली लग रही है नहीं लग रही, पर मेरी आवाज़ ना बहुत बदल गई, मतलब गले में ना खराश सी है वैसा, तो इसीलिए पता नहीं कब ठीक होगा, बस यार जल्दी से खांसी ठीक हो जाए यार। और हमारी कॉलोनी में ना नई दुकान खुली है, और नई रेडी से ही आज लेंगे हम फिंगर, पता नहीं फिंगर है या नहीं है। फिंगर है भैया, फिंगर है, हाँ दे दो, करारे कर देना 20 के दे दो मेरे को, ठीक है हाय। तो लो जी भैया फिंगर आ गए करारे करारे, और चटनी मेरी वाइफ को पसंद है। और अफारी कॉलोनी में नई दुकान खुली है, तो नई दुकान से ही लाया हूँ। और देखो मेरा ऐसा शौक है जाना, मतलब जैसे 3 रेड़ी लगी है ना कहीं पे, 3 लोग फेरी लगा के खड़े हैं, जहाँ सबसे कम भीड़ होती है ना मैं वहीं से लेता हूँ, जिसकी बोनी नहीं हो रही होती ना मैं उसी की बोनी कराता हूँ, मतलब उस रेडी पे ना कम लोग आते हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगता है भाई, और मैं तो अब से उसी पे लिया करूँगा। हेलो मम्मी जी लीजिए, ये देखो बड़ी सिस्टर आ गई है,
फिंगर लाए तेरे, फिंगर खा ले। फिंगर हम खाते हैं, पता है ना, ना खाते हैं। हाँ, इसके दाने निकल जाते हैं ना फिंगर से, तेल वाली चीज बंद कर रखी है इसने। ये मेरी सिस्टर फिंगर लाया है सिस्टर के लिए। चार फिंगर तो लाए तो प्यार देख अपने भाई का। और भाई आज भी मम्मी खाना बना रही। मम्मी तुम अब क्यों खाना बना रही, मतलब है? अच्छा तबीयत सही ना है। चलो भैया सही है। और अब खाली टाइम है तो अब मैं जा रहा हूँ अपना कल वाला व्लॉग एडिट करने। अब से मैं टाइम से व्लॉग डाला करूँगा, एक टाइम बना लूँगा, सुबह 7:30 बजे व्लॉग आ जाया करेगा, ऐसी मेरी कोशिश है, तो देखते। और भाई मम्मी मेरे लिए दवाई लेके आ चुकी हैं आज। मैं जीतती हूँ, कुछ भी होता है ना मेरे को तो मैं दवाई से बहुत दूरी का, मतलब मैं दवाई वाई नहीं खाता कुछ भी होता है, तो ये मेरी मतलब एक ख़राब क्वालिटी है। तो मम्मी लेके आ गई दवाई, थैंक यू मम। चलो क्या पता इसे खा के मेरी खांसी ठीक हो जाए। अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता कब कब समझ में आती है, जब भाई कुछ बीमारी होती है ना, कुछ प्रॉब्लम में होती है, तभी समझ में आता है कि यार ठीक होना कितना इंपॉर्टेंट है, शरीर का स्वस्थ होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो मुझे अब समझ में आ रहा है। और जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, मेरे को देखती रहती है, घूरती रहती है और हंसती रहती है, मजाक बनाती रहती है मेरा। देखो मम्मी ना गील आई है मेरी लाइफ के लिए, और अचंभे की बात ये है इनके लिए गील आई है और ये खाती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम खाती है ये। है मम्मी, जिसके लिए तुम गील आई हो वो तो खातना है। देखो मम्मी इनके लिए दूध रखती है, दूध नहीं पीती है, और घी सही से खाती नहीं है। अभी देखो एकदम ऐसा कल के दुबाए बैठी है कि मतलब जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों ना खाती हैं, खाओ करो, मैं तुम्हें जरूरत है इस चीज़। भाई मम्मी ने ना इतनी सारी अदरक काट दी मेरी खांसी के लिए, कुछ घरेलू नुस्खा बना रही है वो। भाई इतनी सारी अदरक कुछ ज़्यादा ही है। चलो कोई घरेलू नुस्खा होता है, खांसी ठीक हो जाती है, अदरक गुड़ गुड़ डाल के ऐसा कुछ होता है, पता नहीं इसको बोलते क्या है, पर ये मेरे लिए हो रहा है, मेरी खांसी के लिए। चलो ठीक है यार, खांसी ठीक होना जरूरी है, कुछ भी खा लेंगे। और बेचारी हमारी वाइफ माल बना रही है, क्या पता मासूम सी शक्ल लेके। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, मेरी वाइफ ना थोड़ी थोड़ी मासूम सी होती जा रही है। देखो इतनी मासूम सी बैठी है बेचारी। देखो भाई मेरी वाइफ की ना दर्द होने लग गया, आंसू आ गए भाई। मैं बोल रहा हूँ आप कर दाब दूँ, मना कर रही है। और भाई ये दर्द आम है भाई, वो होता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा दर्द दर्द होता रहेगा। माल काट रही थी बेचारी, माल काटते काटते लेट गई, मेहनत बहुत करती है भाई। देखो ऐसी स्थिति में भी माल वाल बनवाती रहती है, हार नहीं मानती, ये चीज माननी पड़ेगी मेरे को अपनी वाइफ की। दबाए दें कमर, दबाएं इसके, दिखाइए एक बार। वीडियो बना रहे हो? ओए मेरा फेवरेट गाना, कल डांस करें जा पे कॉपी कर भाई। बार बार ना ठंडा पानी निकाल लेके लिए फ्रिज खोल लेता हूँ, फिर मेरी वाइफ याद दिलाती है मेरी औकात, क्योंकि मुझे है जुकाम तो मेरे लिए है अलग से गर्म पानी। और मम्मी गई हैं एक आंटी को बुलाने, क्योंकि मेरी वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है ना, तो जो पहल पहल लड़की आती थी ना हमारे घर पे, उसी की मम्मी को बुलाने गई हैं, तो वही देखेंगी आके इनको। बेचारी चुपचाप चुपचाप लेटी आज मेरी वाइफ, वैसे हंसती खेलती रहती थी अच्छे से, आज बेचारी बहुत दर्द में है। एक मिनट रुको रुको, वेट 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 वेट, मच्छर बैठा सर पे, ये इसका तो मटर होगा आज। यहाँ पर लग भी रो तो हो गया बेटा मर्डर, हमारी वाइफ के सर पे बैठोगे हैं, मेरी वाइफ को काटोगे, तुम्हारी ऐसी जरूरत कैसे हुई। हर वो चीज खत्म कर दूंगा जो मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाएगी। क्यों और कहीं तो नहीं बैठा ना मच्छर? और भाई रात के 11 बज रहे हैं, खाना वाना सब खा लिया है, और अपना गर्म पानी पियेंगे, ये वही बोतल है जो लद्दाख में ले गया था, बहुत साथ दिया था इसने, ये पेंट की जो रेखा मौसी है ना चंडीगढ़ में रुका था, मेरी भी मौसी है तो उन्हीं के घर से ये बोतल ली थी मैंने, उनको वापस कर दूंगा जब वो हमारे घर पर आएंगे, हम उनके घर पर जाएंगे। लद्दाख में भाई बहुत काम दिया इस बोतल ने, ठंडा ठंडा मौसम होता था, एकदम ठंड होती थी, तो इसमें गर्म पानी भर लेता था मैं दिन में, और वही चलता था पूरे दिन। आई लव यू माई बोतल। ठीक हो जाएगा यार, टेंशन ना लो, कुछ दिन की बात और है। ओ हेलो पायल की बहन,
पढ़ा बंटी ये मेहंदी वेहंदी लगा रखी है क्या बात है? अरे मैं तो अच्छा लगाई नहीं थी मेहंदी, मैं सोची कल उसकी टाइम नहीं मिलेगा। लो देखो आके पायल की छोटी बहन जा। अच्छा बाहर जाना पड़ेगा मेरे को। चलो भैया देखो इसको डर लग रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बाहर आ गया, कमरे से बोल रही है भैया मेरे को अकेला मत छोड़ो, भूत नहीं होते? होते हैं, होते हैं। कहाँ देखा है? मैंने देखा तो नहीं है भगवान की तरफ से, पर मैंने सुना है, मेरे वो देख सके। झूठ बोलते हैं जो भूत बोलते हैं? नहीं भूत नहीं होते। होता है भैया, आप मानते नहीं हो। चल तू मेरे साथ खड़ी रहे, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे तेरे साथ खड़ा हूँ। ये हमारे घर के पास ना ट्रेन चलती है, ट्रेन की आवाज़ आ जाती है बार बार, डिस्टर्ब कर देती है। पटरी ना यहाँ से ज़्यादा नहीं, कितने कितनी दूर होगी? लगभग होगी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है पटरी। तो जब भी ट्रेन गुजरती है ना हमारे यहाँ से, तो ट्रेन की आवाज़ आती है। टेंशन मत ले, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा आप भूत से फाइटिंग करोगे? फाइटिंग मार दूंगा उसको, जान से आग लगा दूंगा भूत के अंदर, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? तेरी सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा रहूंगा तेरा। चाकू लेके जाऊंगा उसके पेट में घुसेड़ दूंगा चाकू। वो तो भूत रह कर रहा है, वो खुद मर गया तो ऐसे क्या? भूत नहीं होता। आपको कैसे पता चला बताओ? तू मेरे को कहाँ भेजेगी अभी? जंगल में भेजेगी, मैं जंगल में भी चला जाऊंगा। नहीं, नहीं, फिर मेरे को कौन समझेगा? ये उससे डर रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। पर पायल से क्यूट लगती है तू। हाँ, सच्ची में पायल तो बेकार लगती है। वो ऐसे ही है ना। पर मेकअप मत करियो तू, बिना मेकअप के सही लगती है। हाँ। मेकअप मत करियो तू कभी भी, बिना मेकअप के सुंदर लगती है तू। हाँ, वो तो है। ठीक है, पायल की तरह बहुत सारा मेकअप मत करियो। नहीं इतना नहीं करो। आपकी पायल लगाई है? अच्छा बाजार में भी लगाई थी उसने। क्या आप आराम है आपको? हाँ, आराम है। चलो आंटी को छोड़ के आया हूँ नीचे, तक थक गया। और दोस्तों इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अपना मौसम ठंडा हो गया ना, तो बाहर कोई नहीं सोता, सारी फैमिली इस वाले रूम में सोती है और हम दोनों इसमें सोते हैं, यहाँ पे कूलर चलाते हैं। अपना ऐसा मौसम चल रहा है देखो, बिना ओढ़े भी, मतलब बिना पंखा चलाए भी चैन नहीं है और बिना ओढ़े भी चैन नहीं है, तो ऐसी मौसम चल रहा है। कोई ना, तो मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और क्या बोलते हैं यार, मेरे को ब्लॉग एंड करना नहीं आता। हाँ, अगर मेरा ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है तो। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। भाई मम्मी देसी नुस्खा लेके आ गई अपना, अदरक अदरक डाली और काट ली, अदरक गुड़ और ये खांसी के लिए होता है, पर भाई बहुत वैसा होता है यार, मतलब खाने से पहले ना, मतलब बहुत तीखा तीखा सा होता है। गुड़ पड़ी ना, चलो बहुत तेज लग रही है। तो तरती को खुलाया था तुमने? चलो भाई कहाँ से ठीक होना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत तीखा भी झेल लेंगे। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।